हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनिक स्टडी सेंटर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूनिक स्टडी सेंटर के ऑनलाइन क्लासेज में। जैसा कि आप जानते हैं, आपने थंबनेल में देखा, इसमें हम देखेंगे प्रतिशत निकालना कि हम लोग प्रतिशत कैसे निकालते हैं। देखिए, इसलिए हमने क्या किया, आपके लिए चार क्वेश्चन अलग अलग टाइप के। देखिए, 150 का 20% निकालिए, 400 का 15% का 50% निकालिए, 60 का कितना प्रतिशत 12 होगा, 50% का 20% निकालिए। चार अलग अलग प्रकार के हमने क्वेश्चन लिया है ताकि आपको प्रतिशत आसानी से समझ में आ जाए। तो दोस्तों, सबसे पहले ये जान लीजिए प्रतिशत, ये जो प्रतिशत होता है इसका मतलब होता है प्रत्येक 100 पे, ठीक ना। जैसे प्रतिशत लिखा मतलब प्रत्येक 100 पे जितना लिखा जाता है वो उसका प्रतिशत होता है। तो आइए, चलिए ज़्यादा लेट नहीं करते हैं, शुरू करते हैं आपका सबसे पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन शुरू करने से पहले, अगर आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही हम छोटे छोटे नॉलेज वाली चीज़ें जो आपको मैथ में कमज़ोर बनाती हैं, उनका एक छोटा छोटा वीडियो का सीरीज बना रहे हैं जब, ताकि आपको आसानी से सारे मैथ समझ में आ जाए। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। 150 का 20% निकालें, 150 का 20%। तो दोस्तों, ऐसे जो लिखा रहता है, तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिखा है 150 का 20% का मतलब दोस्तों होता है गुणा, ठीक ना, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। तो कुछ नहीं करना है, ये सबसे आसान क्वेश्चन है। तो यहाँ लिखना है 150 का मतलब गुणा 20, और ये प्रतिशत जो है ना, तो दोस्तों एक चीज़ ध्यान दीजिए, जहाँ प्रतिशत लिखा है, जैसे ये प्रतिशत लिखा है किसी के साथ 3 के साथ लिखा है, तो मतलब ये जो ना धक्का देके नीचे चला जाता है, ऐसे समझिए। तो 3/3 कितना हो जाता है, 100 हो जाता है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। तो 20% है तो 20/3 क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक है। 10 से 10 कैंसिल कर देते, 10 से 10 तो इनका गुणा कराते हैं 15 × 30, तो कितना हो जाता है 30। तो आंसर दोस्तों कितना आ गया, आंसर बराबर 30। तो इसका मतलब 150 का 20% क्या होगा, 30 होगा। दोस्तों, अगर आप और जल्दी निकालना चाहते हैं ना, और जल्दी निकालना चाहते हैं, ट्रिक वाला वीडियो देखिए। जैसे देखिए, जब 10% निकालना रहेगा तो ये देखिए 20% निकालना है, 10% निकालना रहेगा तो एक अंक पे दशमलव। चलिए यही समझाते हैं। अगर 150 का हमको 10%, मान लीजिए ये 150 है, 150, अगर 10% निकालना रहे, कोई भी अंक रहे उसका 10% निकालना, तो पीछे से एक अंक पे दशमलव लगा दीजिए। तो 10% कितना हो गया, 15 हो गया, ठीक ना। 10% जब 15, तो 20% कितना हो जाएगा, ये 10% हो गया, ठीक ना, 10%। तो अगर 20% निकालना रहेगा, 15 का डबल 30, तो हो जाएगा 20%। ये होता है तरीका, ये ट्रिक वाला है। 15 अगर 1% निकालना रहता तो 1.50 हो जाता, मतलब 1.5 रुपये हो जाता। चलिए, तो पहला वाला समझ में आ गया, उम्मीद करते हैं 30 आएगा इसमें। दूसरा वाला देखते हैं, 400 का 15% का 50%। तो दोस्तों, इसमें कुछ नहीं है, इन दोनों का मतलब क्या है, 100 वो गुणा है। तो देखिए, 400 लिखेंगे, 400 का मतलब गुणा 15%, 15% का मतलब होता है दोस्तों जिसके साथ लिखा उसके बटे 100, फिर का लिखा है तो फिर गुणा लिखिए, फिर लिखिए 50, 50% है तो उसके बटे 100 लिख दीजिए, ठीक ना। इतना लिखने के बाद आप जितना कट जाए उसको काट दीजिए, 10 से 10 कैंसिल हो गया, अच्छा 2 से 2 कैंसिल हो गया, 10 से 10 और कैंसिल हो गया। अभी देखिए, 5 × 5 हो गया, 5 × 10 हो गया, अब 2 × 4 हो गया, तो 15 × 30, दोस्तों 15 बचा, नीचे कुछ नहीं बचा, तो 15 × 30, तो इसका भी आंसर कितना गया, 30 आ गया, आंसर बराबर 30, ठीक ना। इसका भी आंसर कितना गया, 30 आ गया। तो 400 का 15% का 50% जो होगा वो 30 होगा। निकालेंगे कैसे, 400 का 15% अगर आप निकालिए, जितना है उसका 50% निकालेंगे तो आपका 30 आ जाएगा, यही आपका आंसर हो गया। चलिए, अब तीसरे टाइप वाला जो क्वेश्चन, उसको देखते हैं। अरे, 60 का कितना प्रतिशत 12 होगा, 60 का कितना प्रतिशत 12 होगा। दोस्तों, जब आपका रिजल्ट निकलता है तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं, आप कितना प्रतिशत नंबर पाएँ, कैसे पता करेंगे। तो उन सब चीज़ों के लिए, ये होता है कुल नंबर, कुल नंबर जैसे होता है प्राप्तांक बटे पूर्णांक। तो मान लेते हैं ये पूर्णांक है और ये प्राप्तांक है, ठीक ना। तो लिखते हैं प्राप्तांक, प्राप्तांक बटे पूर्णांक गुणे 100। इस तरीके से हम लोग प्रतिशत निकालते हैं। तो प्राप्तांक दोस्तों कितना है, 12 बटे कितना है 60, गुणे कितना कर देंगे, 100 कर देंगे, ठीक ना। तो दोस्तों, 12 का पहाड़ आता है, नहीं आता तो कोई बात नहीं, 10 से 10 काट दीजिए, 6 × 12, अब 10 और 2, ये ऊपर बचा 10 × 20, क्या हो जाएगा 20, ठीक ना, 20 क्या प्रतिशत। तो आंसर बराबर क्या आ गया, आंसर बराबर 20% आ गया। कहने का मतलब दोस्तों, 60 का कितना प्रतिशत 12 है, तो 12 जो है 60 का कितना प्रतिशत है, 20% है, ठीक है ना। तो ये दोस्तों आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अगर आपको, मान लीजिए आप पेपर देते हैं, आपको पेपर में मिल गया 600 में, 600 नीचे लिख दीजिए जितना प्राप्तांक हो आपका, मतलब जितना आप पूर्णांक हो उसको नीचे लिखिए। मान लीजिए 600 है और ऊपर आपको मिल गया, हो गया
360 अंक हो गया, ठीक है ना। प्रतिशत निकालना 360 गुड़े ऐसे कर दीजिए 100 कर दीजिए, ठीक है ना। देखिए अब क्या हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए और 6 से इसको काट दीजिए, 6 को 36 60 आएगा। तो दोस्तों आपका 60% बनेगा, ठीक है ना, 60% अंक आपका बनेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रतिशत निकालने का जब आप रिजल्ट में पाएँ तब। तो ये तीन टाइप हुआ। अब चौथा टाइप देखते हैं। चौथे टाइप में दोस्तों बहुत आसान है, 50% का 20% निकालना है, 50% का 20%। कुछ नहीं करना है, का मतलब होता है गुणा, तो लिखना है 50 दोस्तों, लिखना है 50, प्रतिशत है तो बटे 100 लिख दीजिए, गुणे का निशान लगाइए, 20/100 लिख दीजिए। 50% का 20% कितना होगा, तो 50% का 20% कितना हो जाएगा, चलिए काटते हैं, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल और 2 पंचे 10 हो गया, 5 से काटेंगे 5 दाम 50, 1 जीरो से 1 जीरो काट देंगे, बचेगा क्या, 1/10 इतना है ना, 50% का इतना क्या हो जाएगा, देखिए जब 1/10 आ गया इसका मतलब अगर आप भाग करेंगे तो 0.1 आएगा, कितना आएगा, इतना आएगा। 50% का 20% कितना हो गया, 0.1 हो गया, ये आपका आंसर हो गया। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये प्रतिशत आपको आसानी समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए अगर चैनल पे नए हो तो। दोस्तों अगर आपको इसमें से थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट करके बताइए कि कौन सा सवाल नहीं समझ में आया, उसको हम आपको दोबारा समझा देंगे, ठीक है ना। बाकी आपको आसान तरीके से इतने तरीके से आप परसेंटेज निकालने के लिए ये आप चारों क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले कॉन्सेप्ट में, तब तक के लिए बने रहिए यूनिक स्टडी सेंटर के साथ। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।